न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। अमन शर्मा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज एक रैली का आयोजन किया, मेरे सामने मौजूद है ध्रुव नारायण जी, मैं आपकी बात उनसे कराऊंगी। सर सबसे पहले बताइए इस रैली का क्या उद्देश्य? आज हमारा देश का गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उस दिन लोगों को जागरूक करना, गणतंत्र को मजबूत करने के प्रति सबका कदम आगे बढ़े, देश मजबूत हो और जैसा भारत के संविधान की मंशा या उसकी आत्मा कहती है उसके अनुरूप देश चले, इस रैली का यही उद्देश्य है। कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ समापन किया गया है इस रैली का प्रारंभ हुई है शाहपुरा गांव से हुई और वहाँ से घूमते हुए ये 12 नंबर 11 नंबर से होते हुए 10 नंबर पे आके इसका समापन हुआ। क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत समय बाद आज़ादी के और 1950 से जब से गणतंत्र लागू हुआ उसके बाद से मोदी सरकार ने ही इस गणतंत्र को साबित किया है कि गणतंत्र जो वास्तव में संविधान की मंशा उसके हिसाब से सरकार चल रही है। आज सरकार ने ये दिखाया है कि सारे राज्य एक हैं। पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग स्टेटस था, वो हमको किसी को भी ये बात पूरे देश में अच्छी नहीं लगती थी कि किसी राज्य को एक अलग दर्जा क्यों दिया गया है। यह सारे नागरिक समान होने चाहिए, सबके बराबर अधिकार होने चाहिए। अगर इस देश का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है और वो राम मंदिर बनाना चाहता तो आज राम मंदिर बनने की स्थिति में है। और भी जो कदम उन्होंने उठाए उसमें अगर मैं विस्तृत में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि गणतंत्र को मजबूत करने वाली सरकार अब आई है, इससे देश में एक अलग उत्साह की लहर है, युवाओं में उत्साह की लहर है और यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस मजबूती को आगे बढ़ाएं और इस सरकार को मजबूत करें, इस सरकार के प्रयास को हम लोग अपना बल दें, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। अगर किसानों के आंदोलन की बात करें, हम जो कांग्रेसियों ने अभी जो किया था विद्रोह ही कहेंगे हम, उसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए कांग्रेस को एक अवसर मिला है, उन्होंने कुछ लोगों को बरगला कर ये एक आंदोलन खड़ा किया हुआ है, वास्तव में वो भ्रमित कर रहे हैं, इसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं है। मुट्ठी भर अगर किसान कांग्रेस के बरगलाने पे ऐसा कर रहे हैं तो उसको ये न मानना चाहिए कि पूरे देश का किसान हमारे साथ नहीं है, क्योंकि सरकार ने MSP बंद नहीं की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वही है। किसान को ये अवसर है कि वो अपना अनाज कहीं भी बेचे और किसी को भी बेचे, समर्थन मूल्य भी वही है। तो मेरा ये कहना है कि नुकसान किसान का कहाँ है, ये तो कांग्रेस किसानों को एक वो झूठा नारा दे रही है कि आपके उद्योगपति आपका सारा गल्ला जब्त कर लेंगे। अरे कैसे कर लेंगे, खरीदेंगे उचित दाम देंगे, किसान को तो नहीं लेंगे, कुछ छीना थोड़ी लेंगे। लेकिन कांग्रेस दुष्चक्र में थोड़ी बहुत सफल है, लेकिन धीरे धीरे ये बातें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ध्रुव नारायण जी, जिन्होंने आज रैली के आयोजन के बारे में हमसे जानकारी साझा की, साथ में किसानों के आंदोलन को लेकर भी इन्होंने अपनी राय हमसे व्यक्त की। मैं रश्मि जैन, कैमरा पर्सन अजय के साथ, यस जर्डन न्यूज़, भोपाल मध्य प्रदेश।